गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें कहा जाता है कि एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, यानी कि ये जो अंदर आपको रेड कलर का दिख रहा है वो चार्ज सिलेंडर है इनफिनाइट लेंथ का। चूँकि लॉन्ग कह दिया तो इसका मतलब ये इनफिनाइट लेंथ का हो गया, और उसमें कहता है लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इट इज सराउंडेड बाय ए हॉलो कोएक्सल। तो देखिए हमने क्या किया कि इसका एक ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है इसके चारों ओर एक दूसरा हॉलो सिलेंडर हमने रखा हुआ है जिसकी एक्सेस एक ही है, या यूं कह दीजिए कि इस वाले सिलेंडर को इसने कवर कर रखा है, हॉलो सिलेंडर ने कवर कर रखा है। अब हमें करना क्या है कि हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, यानी कि जो इनके बीच में स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हमको एक एज्यूम करना पड़ेगा, एक पॉइंट पी मान लें, और ये पी पॉइंट जो है इसकी एक्सेस से आर डिस्टेंस पर है, ऐसा मान के चले। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम से। गॉस के अकॉर्डिंग जो भी जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको पूरी तरह से कवर करना पड़ता है। तो ये जो है हमने क्या किया, इसको एक छोटा सा एक गॉस सरफेस बना करके इसको कवर कर दिया, यानी इस पॉइंट को ये सरफेस से हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना करके कवर कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या ये सिलेंडर है तो अगर इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर चार्ज प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और इन सरफेस पर, ये सरफेस और इन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से हम कोई भी फ्लक्स पास नहीं करा पाएंगे, यहाँ से भी कोई फ्लक्स पास नहीं करा पाएंगे, सिर्फ इनके सरफेस से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, जहाँ कहीं भी होगा उसके सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, ये वाले सरफेस को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स जो होता है वो होता है ई इंटू डी ए, या ई इंटू गॉस थ्योरम से डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस थ्योरम है। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए यहाँ चार्ज हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया है, अगर ये गॉस सरफेस की लंबाई एल ले लिया जाए, कैपिटल एल ले ली जाए, तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन एल, यानी इस पूरे एल लेंथ में कितना चार्ज है। ऐसे तो ये इनफिनाइट लेंथ का चार्ज, इनफिनाइट लेंथ का है कंडक्टिंग सिलेंडर, इसमें चार्ज क्यू है, बट इस एल लेंथ वाली जो सरफेस हमने बनाई है उसमें कितना चार्ज मौजूद है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ Q क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q की जगह लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस को यहाँ पर अंदर कर देंगे इंटीग्रेशन के, और यहाँ से हम, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सॉल्व करनी है इस पॉइंट पर। तो देखिए सरफेस हमारा कैसा है, अब चूंकि देखिए इस पॉइंट पर हमने तो निकाला इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये एक ही एक छोटा सा पॉइंट है ना, हमें तो सरफेस लेना पड़ेगा पूरा, यानी सिलेंड्रिकल सरफेस। जैसे आप ये समझिए कि पेन है, ये पेन है, इस पेन के इधर 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 और उस तरफ पूरा सरफेस एक मिलेगा हमको, यानी सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा। तो चूंकि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो पूरा लेते हैं सरफेस, ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस नहीं लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इनका नॉर्मल वेक्टर है, इनका जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 2πr और l, क्योंकि फार्मूला होता है 2πrh कर्व सरफेस एरिया, ये आपने पढ़ा है, तो 2πrl हो गया ये,
इंटीग्रेशन और यहाँ लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। तो अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए सॉरी यहाँ पर कैपिटल एल था, अब ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी लेमडा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, हमें सिर्फ गॉस सरफेस से ही निकालेंगे इसको, इस पॉइंट को हमने कवर कर दिया। और चूंकि ds क्या है, पूरा कर्व सरफेस एरिया है जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और वो कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच के हिसाब से हाइट हमने चूंकि एल ले रखी थी इसलिए एच की जगह एल लगा दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।